कि इस सौंसी गांव है, मतलब बहुत बड़ा गांव है, तो फिर इस तरह के सजावट क्यों हुआ है? अब पता रहा, जनता सब नहीं चाह रहा है तो कैसे होगा, जनता सब चाहेगा तब ना होगा, ऐसा ही थोड़ी। अच्छा, मानते हैं जनता इसमें नहीं की है, तो इसमें आगे आने के लिए पड़ेगा मुखिया जी को। मुखिया जी को, उसके बाद वार्ड सदस्य को। वार्ड सदस्य को सबसे पहले तो आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आपके क्षेत्र में पड़ता है। हाँ, तो हम एक साल लगवाए थे ना, इससे अच्छा लगवाए थे, इन साल मुखिया जी लगवाए हैं, अब जैसे मर्जी वैसे लगवा दिए हैं, उसमें हम क्या करें। हम एक साल लगवाए थे, अच्छा लगवाए। चौरसिया है और आप देख रहे हैं हम तक न्यूज। अभी हम बता दें कि अपना गांव में और छठ घाट पे हैं, और हमारे गांव के एक चाचा जी है, और इनसे बात करेंगे, खास बात मुद्दा पे बात करेंगे कि इस गांव में एक ऐतिहासिक और इतिहास भी रचा जाता है कि यहां पे बहुत बड़ी बड़ी दूर से यहां पे पहलवान लोग आते हैं लड़ाई के करने के लिए, और छठ के पढ़ना का मतलब यहां पे मेला लगाया जाता है, और ऐतिहासिक है। इस गाँव से नहीं बल्कि अनेकों गाँव से यहाँ पे आते हैं और मेला देखने के लिए, और पहलवान भी बड़ी दूर दूर से आते हैं, और इनसे अधिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे गांव के बुजुर्ग हैं और ये ज़्यादा हमको उम्मीद है कि ज़्यादा जानकारी देंगे। सबसे तो पहले आपको स्वागत है हम तक न्यूज में। हम पूर्व वार्ड कमिश्नर पन्नालाल जी बोल रहे हैं। हमारे गाँव में सबसे मशहूर लड़ाई कुश्ती दंगल होने वाले हैं। हम लोग बताए हैं बहने, जितने भाई बुजुर्ग और वार्ड कमिश्नर और जो भी हैं, हमारे माननीय कन्हैया डीलर साहब जी हैं, मान भैया जी हमारे उपस्थित हुए हैं, हमारे चौकीदार साहब जी उपस्थित हुए हैं, कृष्णा जी भी उपस्थित हुए हैं, रामू जी भी उपस्थित हुए हैं, और विजय जी पीसीओ भी उपस्थित हुए हैं। हम लोग सब लोगों के समक्ष हम लोग गांव में बहुत बढ़िया कुश्ती दंगल होने वाला है। जितने भी इर्द गिर्द के लोग हम लोग हैं, सब देखने के लिए आएंगे। हम लोग सब हम लोग साथी नवजोत दल के साथ मेला और मशहूर मनाएंगे हम खुशियों के साथ में। हार्दिक अभिनंदन करूँ, जय हिंद जय भारत। एक सवाल है, ये बताइए पहलवान कहाँ कहाँ से आ रहे हैं इस बार? हमारे पहलवान ढोड़े के गिरी पहलवान भी आ रहे हैं, यूपी के पन्नालाल जी पहलवान आ भी रहे हैं, मिर्जापुर के। मैंने कहने का मतलब है कि सीधा सीधा अनेकों स्टेट से भी आ रहे हैं। हाँ, अनेकों स्टेट से भी आ रहे हैं। हम लोग पूरे पहलवान के साथ, हमारे गाँव के भी पड़िया के पहलवान सब लोग मौजूद हुए हुए हैं, उनसे हाथ मिलाने के लिए। आप लोग जितना भी कुछ चाहेंगे हम लोग सब बधाई देने के लिए हम लोग सुरक्षित हैं। जय हिंद। यह कुश्ती कहाँ पे होगा? कुश्ती कहाँ पे होगा? कुश्ती दंगल हमारे नहर किनारे आखड़े के जो पास में खेती है, उसी के साइड में आखड़े में वहीं कुश्ती होने वाली है। नौ बजे से महावीर जी के झंडे के पास में जुलूस निकलने वाले हैं, और इर्द गिर्द में सब जितने नवयुवक दल हैं हमारे गांव के समक्ष सब लोग इर्द गिर्द से देखने के लिए सब मौजूद होंगे। हमारे गांव के 7 नंबर वार्ड के सदस्य जी इधर हैं, ठीक है, और इनसे हम लोग जानकारी लेंगे इस बात पे, क्योंकि इनका क्षेत्र में छठी मैया है, ठीक है, और इनके छठी मैया में इस तरह से सजावट किया गया है, तो हम लोग इनसे जानकारी लेंगे कि इस बार इस तरह की सजावट किया गया है, कि आप जाइएगा दूसरे गांव में तो अच्छी तरह से सजावट हुआ है कि नहीं हुआ है, इससे बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है, पर हम लोग के गांव लगभग नहीं भी होगा तो 1000 सुपर घर होगा, 1000 सुपर घर है, फिर भी इस छठ पूजा में इस तरह से सजावट है, तो इसमें हम लोग जानकारी लेंगे वार्ड साहब से। तो वार्ड साहब जी, सबसे पहले तो आपको स्वागत है हम तक में। हम तक न्यूज में स्वागत है। जोर से बोलिए, जोर से। ये बताइए, पहला आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि ये सौंसी गांव है, मतलब बहुत बड़ा गांव है, तो फिर इस तरह के सजावट क्यों हुआ है? अब पता रहा, जनता सब नहीं चाह रहा है तो कैसे होगा, जनता सब चाहेगा तब ना होगा, ऐसा ही थोड़ी। अच्छा, मानते हैं जनता इसमें नहीं की है, इसमें आगे आने के लिए किसको आगे आना पड़ेगा? मुखिया जी को। मुखिया जी को, उसके बाद वार्ड सदस्य को। वार्ड सदस्य को सबसे पहले तो आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आपके क्षेत्र में पड़ता है। हाँ, तो हम एक साल लगवाए थे ना, इससे अच्छा लगवाए थे, इन साल मुखिया जी लगवाए हैं, अब जैसे मर्जी वैसे लगवा दिए हैं, उसमें हम क्या करें।
हम एक साल लगवाए थे, अच्छा लगवाए थे। ऐसा नहीं होगा एक आदमी लगवाए अगले साल हम लगवाए अगले साल, ऐसा नहीं होगा। बल्कि सभी गांव के मुखिया जी को और वार्ड साहब मिल के अगर पूजा किया जाए तो बहुत अच्छे और धूमधाम से मनाया जा सकता है। ऐसा नहीं अलग अलग नहीं करना है, बात सही है कि गलत? नहीं सही है। आपका कितना सहयोग था इसमें? इसमें तो हमारा कोई सहयोग तो नहीं था, नहीं था। नेक्स्ट मेरा उम्मीद है कि अगले साल इसे बेहतर दिखने को मिलेगा और धूमधाम से मनाएंगे। मिलेगा, अगले साल मिलेगा। जी जी, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को छठ पूजा की बधाई हो। जय हिंद, वंदे मातरम।